नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी में जो सैलरी आपको तनख्वाह मिलती है वो कितनी मिलेगी। वो भी डिपेंड करता है दोस्तों, काट पीट के मिलेगी कैसे मिलेगी। ठीक है, तो मैं लेके चलता हूँ आपको नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर आपको इस स्लाइड दिख रही है, मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिख सके, मतलब कितनी सैलरी आपको मिलेगी। दोस्तों आपको पता होगा कि पहले जो रिटायरमेंट की जो उम्र थी वो 40 साल थी, लेकिन अब जो नए नियम आ गए हैं तो 4 साल के लिए भर्ती कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अभी सैनिकों को कम वेतन मिलता था अभी तक, लेकिन अब इस मतलब जो भी योजना है उसके जरिए करीब 30,000 रुपये आपको मिलेंगे महीने के, और आपको जो 30,000 रुपये अच्छे खासे मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सैलरी में इतना ही था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वीडियो में बताने के लिए इतना ही था कि 30,000 रुपये आपको मंथली मिलेंगे, उसके बाद जो अलाउंस वगैरह होते हैं वो जोड़ जोड़ा के जो मिलेगा। तो अभी तक ये प्रक्रिया नहीं हुई थी तो मैं उसको अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन जो 30,000 रुपये के आसपास आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी। ये 30,000 बोला, लेकिन 30 मेरे अनुमान 35 से 40 के बीच में आपको सैलरी पड़ जाएगी। ठीक है, तो बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग मेरी और वीडियो को देखना चाहते हो चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ऊपर आई बटन में लिंक मिलेंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को हमारे प्यार भरे दिल से राम राम।